hello everyone welcome back to my youtube channel i would like before starting today's lecture let me share a very interesting joke with you once a youtuber was dying somebody asked him what is your last wish he said do subscribe like and share my channel आई होप यू विल लाइक इट एंड हो सकता है आप में से काफी लोगों को इस जोक पर हंसी नहीं आएगी क्योंकि ये जोक इतना भी आ, कोई हंसाने वाला जोक नहीं है बट इसके पेन को सिर्फ एक बढ़िया यूट्यूबर समझ सकता है ओके राधन गेटिंग इन टू दिस जोक्स से पार्ट लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक एंड दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस आप में से काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एच आर पी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में कवर किया जाए ऑलरेडी मैंने स्टाफिंग का एक लेक्चर कवर किया था बट वो शायद इतना डिटेल्ड में नहीं है तो वी आर गेटिंग इन टू डिटेल्स नाउ सो विल बी डिस्कसिंग द सिलेक्शन प्रोसेस टूडे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज सिलेक्शन सिलेक्शन क्या होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं ऑब्बियसली सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं द प्लानिंग इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हमें कितने लोग चाहिए कहां कहां किस किस पोजीशन पे चाहिए और किस किस टाइम पे चाहिए दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल अबाउट इसके बाद हम रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट इज ऑल अबाउट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस तो आपने एक बार अगर एप्लीकेशंस इनवाइट कर ली हैं और आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं अब आपका थर्ड स्टेप शुरू होगा एंड दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन तो अब सिलेक्शन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो कुंड ने एक डेफिनेशन इसकी दी थी द डेफिनेशन वॉज सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड तो ऑब्वियसली आपको चूज करना है चूज करना है कहां से फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स का आपके पास पूल आ चुका है अब वो दो तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं कुछ कैंडिडेट होते हैं इंटरनली जो आपके ऑलरेडी साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अप्लाई किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन और कुछ लोग जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर पोजिशन के लिए तो दोनों तरह के एप्लीकेशन आपके पास आ सकते हैं एंड देन चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजिशन और फॉर द फ्यूचर पोजिशन तो आप किसी करंट पोजिशन के लिए भी सुटेबल लोगों को चूज कर सकते हैं या फिर आप लोगों का पुल बना के रख सकते हैं जिनको फ्यूचर पोजिशन के लिए भी सिलेक्शन किया जा सकता है सो दिस इज वॉट सिलेक्शन प्रोसेस इज यू नीड टू चूज द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ लार्जर कैंडिडेट्स तो सवाल ये ये उठता है कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है सो बेसिकली सेवन स्टेप प्रोसेस काफी जगह पर आपको एट स्टेप में मिलेगा कई जगह पर टेन स्टेप्स में मिलेगा बट मुझे लगा सेवन स्टेप्स जो होते हैं वो सारे स्टेप्स को ऑलमोस्ट कवर कर देते हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रिंग सेकेंड इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन थर्ड इज कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट फोर्थ इज कॉल्ड सिलेक्शन इंटरव्यू

क्योंकि वो लोग अनडिजायरेबल मींस या तो उन्होंने एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं भरा है या वो एलिजिबल ही नहीं थे फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया इस तरह के भी काफी कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर काफी सारे एप्लीकेंट्स का यह भी सोचना होता है कि अप्लाई कर देने में क्या हर जाता है कौन सा कंपनी चेक करने वाली है क्या पता हमें कॉल आई जाए तो इस तरह के काफी सारे लोग सोचने वाले हैं दैट इज द रीजन वाई वॉट वी नीड टू डू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है द प्रोसेस इज जनरली कंडक्टेड बाय द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव जो लोअर लेवल के लोग होते हैं वो बेसिकली आपके फॉर्म को चेक करते हैं जो फॉर्म आपने भरा होता है या जो आपकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस है इनिशियल स्क्रीनिंग उसके थ्रू वो उसको स्क्रीन आउट कर देते हैं इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए है बिकॉज जितने भी अनकॉलीफाइड इन एलिजिबल नॉट डिजायरेबल एप्लीकेंट्स होते हैं वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं और आपके जो एच आर मैनेजर होते हैं या जो एच आर की टीम होती है या जो मेन स्क्रीनिंग प्लानल होता है उनका बहुत सारा टाइम बचता है बहुत सारा एफर्ट बचता है अगर आप उसको नहीं करवाएंगे तो उनका बहुत टाइम लगेगा जो शायद हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन अब आपका जो सेकेंड स्टेप है वो मेन स्क्रीनिंग होती है इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड यूअर डाउनलेब डाउनलोडेबल एप्लीकेशन फॉर्म तो जितने भी जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डाउनलोडेबल फॉर्म दे देती है आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें जितने भी नेसेसरी डिटेल्स पूछी गई होती हैं उस वेबसाइट के उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली वो आप उसमें फिल कर देते हैं द फॉर्म आस्क फॉर बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन जनरली इस फॉर्म में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस क्या है आपका आपकी एज क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपके पास और नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं या उस जॉब के लिए आपको इंपॉर्टेंट है वो सारे इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में आपसे मांगी जाती है अलॉन्ग विद जब एक बार आपने उस फॉर्म को भर दिया आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद वो फॉर्म स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जाता है और फिर स्क्रीनिंग कमेटी उस फॉर्म को चेक करती है इट चेक्स ऑल द डिटेल एंड कॉल्स द कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट तो अब आपके सारे जो क्राइटेरिया होता है उस जॉब के लिए जो भी कंपनी ने फिक्स किया है उस जॉब के क्राइटेरिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपके फॉर्म को चेक कर लिया जाता है अगर आपका फॉर्म सुटेबल है और उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो स्क्रीनिंग पैनल आपको अगले राउंड में आने के लिए या अगले सिलेक्शन uh, टेस्ट के लिए आने के लिए आपको कहती है सो द पर्पज ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस इज टू शॉर्टलिस्ट ऑल द सुटेबल कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड पूरा जो पर्पज है वो क्या है उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करें जो लोग एलिजिबल हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं तो उनको आप निकले राउंड के लिए बुला सकते हैं आफ्टर द स्क्रीनिंग कमिटी हैज गॉन थ्रू योर एप्लीकेशन द थर्ड स्टेप कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट अब सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है तो द मेन पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट इज टू डिमाइन द नेसेसरी स्किल्स एंड एबिलिटी दट आर अप्रोप्रिएटली सुटेड फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट अब किसी भी जॉब को करने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कुछ एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं कि वो एबिलिटीज या वो स्किल्स जो है किसी भी कैंडिडेट में है या नहीं है तो वो दैट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस इसका एक रीजन और भी है कि हम टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं बिकॉज देर आर सो मच पीपल अप्लाई फॉर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इन टू द इंटरव्यू प्रोसेस कि हम एक एक को बुलाकर उसका इंटरव्यू प्रोसेस करें उससे बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगी टाइम भी वेस्ट होगा उससे बेटर है कि आप एक टेस्ट कंडक्ट कर लें आइर ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कंडक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने फाइनल रिजल्ट जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आता है जो लोग उस टेस्ट को क्लियर करते हैं उनको आप अगले राउंड में बुला सकते हैं अब कई तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट टेक्निकल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट इस तरह के बहुत तरह के टेस्ट होते हैं मैं चाहूंगा मैं एक अलग से इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा कि सिलेक्शन टेस्ट

रेक्टर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी और यू कैन हैव पीपल फ्राम एचर यू कैन हैव पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर फंक्शनल डिविजन फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग और मेबी प्रोडक्शन जो लोग आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सके तो इस कारण से सिलेक्शन पैनल में आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं देर आर सेवरल क्वेश्चन आज थ्रू दिस प्रोसेस बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी जाना जाता है आपके नॉलेज को जज किया जाता है कि आपकी नॉलेज कैसी है किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया है आपकी ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आती है आपका इंटरेस्ट क्या है बेसिकली हम कहीं ना कहीं पर्सनली कैंडिडेट को मॉनिटर कर पाते हैं उसके बिहेवियर को देख पाते हैं जो शायद टेस्ट में हम नहीं कैलकुलेट कर पाए वो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलता है कि वो कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है देर सपोज टू डिस्क्राइब देर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अब जॉब ऑल्सो एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से आप कैंडिडेट के को भी समझ पाते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कंडीशन इन टर्म्स ऑफ जो उसने जो प्राइवरली उसने काम किया है जो भी जॉब की है वहां पे वो किस तरह का काम कर रहा था वो सारी चीजों का आइडिया आपको सिलेक्शन इंटरव्यूज में मिल जाता है वंस द पीपल हु क्रॉस थ्रू सिलेक्शन इंटरव्यू जो उन्होंने सिलेक्शन इंटरव्यू भी क्रॉस कर लिया वहां से भी वो पैनल ने उनको रिकमेंड किया कि दे आर गुड फॉर दर्गेनाइजेशन चेकिंग बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेज उसके बाद फिफ्थ स्टेप तक पहुंचते हैं मैक्सिमम लोग तो पहले चार स्टेप्स में ही रिजेक्ट हो जाते हैं तो मोस्टली जो लोग फाइनल मतलब लास्ट के दो तीन लास्ट के जो तीन स्टेप्स हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है जो लोग हमारे सिलेक्शन के दायरे में आ चुके हैं और दे आर सुटेबल एंड दे विल बी सिलेक्टेड इफ दे क्रॉस थ्रू ऑल द लास्ट थ्री स्टेप्स तो इसमें हम करते क्या है दे आर जनरली कंपनी आस्ट फॉर टू रेफरेंसेज आपसे दो रेफरेंसेज मांगे जाते हैं अब ये रेफरेंस कौन दे सकता है ये रेफरेंस एनी पर्सन सीनियर पर्सन जिनके साथ आपने काम किया है कोई आपका सीनियर आपके जो एम्प्लॉयर था पिछले एम्प्लॉयर से आप ला सकते हैं कोई अगर आपके प्रोफेसर हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के तो आप उनसे ले सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग आपसे खुद ही कहती है कि आप दो रेफरेंसेस हमें ला कर दें जो कि इनमें से किसी का भी हो सकता है सो रेफरेंस चेक का पर्पस क्या है इट्स अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक ये बेसिकली क्रॉस चेकिंग करने में हेल्प करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है अब तक चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म पे दी है चाहे आपने पर्सनली दिया इंटरव्यू के दौरान आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस कंपनीज ट्राई टू कॉन्टेक्ट ऑल दीज पर्सन जिन लोगों का आपने नाम दिया है उनका एड्रेस दिया है उनकी ईमेल आईडी दी है उनका फोन नंबर दिया है तो उनको कंपनी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है या एच की टीम उनको कॉन्टैक्ट करती है आई थ्रू मेल और फिर उन लोगों से आपका फीडबैक लिया जाता है टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ योर कैंडिडेट एंड इवन समाइम्स दे वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन विच यू हैव गिवन टू द कंपनी इन इन योर एप्लीकेशन एज वेल एज इन द इंटरव्यू प्रोसेस तो इस

ऑलमोस्ट हर तरफ से हमने उनको परख लिया है हमने चेक कर लिया है देआर गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन अब हम उनका मेडिकल टेस्ट करेंगे दिस इज एन एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन वेदर एप्लीकेशन इज फिजिकल फिट और नॉट फॉर देंशियल जॉब परफॉर्मेंस हर जॉब में कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि जो भी हम कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है या नहीं है क्योंकि अगर वो मेडिकली फिट नहीं है तो ऑब्वियसली उसको रिक्रूट करने का फायदा नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आप हो है तो कंपनी आपको कहती है कि आप टाइम लेकर के उसको ठीक करा लें और फिर से आके ज्वाइन करें कई बार को कई बार कैंडिडेट को खुद भी नहीं पता होता कि उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है फॉर एक्जाम्पल आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ही सिलेक्टेड फॉर सी तो जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला ही हैज अ स्टोन इन किडनी कंपनी ने कहा कि आप उसका ऑपरेट कराएं उसके बाद ही हम आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ कंपनी काफी विजिलेंट हो गई है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल बिकॉज अगर आप नहीं कराते मेडिकल टेस्ट या कंपनी नहीं कराती है तो वहां पे क्या होता है अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ गई आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब तो कंपनी कैन ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल स्पेशली अगर वर्क प्लेस में कुछ हो गया आपको तो वहां पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू गेट योर फिटनेस सर्टिफिकेट राइट फ्रॉम द ज्वाइनिंग उनको पता होना चाहिए कि आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और वो सारी चीजें मेडिकल टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं टिपिकली यह जॉब ऑफर इज अ कंटिजेंटी ज कंटिजेंट ऑन सक्सेसफुल पासिंग द एग्जाम ऑब्वियसली आपको तभी जॉब ऑफर मिलेगी जब आप इसको सक्सेसफुली पास कर जाएंगे या आप कहीं से उसकी मेडिकल रिपोर्ट ला देंगे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दियर मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आपको या तो फ्रॉम अथोराइज डॉक्टर और फ्रॉम अ हॉस्पिटल दैट इज फ्रॉम द पैनल लिस्ट ऑफ द कंपनी आजकल कंपनीज ने अपनी एक पैनल लिस्ट बनाई हुई है या उनके पैनल पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें से ही किसी से आपको जाकर के वो मेडिकल रिपोर्ट लाकर देनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप फायर फाइटर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर हमें काफी सारे फिजिकल एक्टिविटीज करके दिखानी पड़ती है लाइक क्लाइंबिंग द लैडर कैरिंग एन इंजर्ड विक्टिम और इंडिविजुअल मस्ट डिमोस्ट्रेट ऑल दिस टू टू शो देर फिटनेस टू द जॉब लुक एट आर्मी लुक एट नेवी हम जब भी किसी मिलिट्री फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर सारा फिजिकल टेस्ट होता है इवन फॉर द पुलिस फोर्स में भी अपलाई तो जहां पर भी हमें मेडिकल या फिजिकल मेडिकल रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे जहां हमें फिटनेस देना है वहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है बेस्ट टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप एंड दट इज कॉल्ड द जॉब ऑफर अब जब सब कुछ सही है तो फाइनली आपको जॉब ऑफर दे दी जाएगी और जॉब ऑफर या इसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी कहा जाता है इसमें होता क्या है इट इंक्लूड्स योर ज्वाइन डेट इट इंक्लूड्स योर सैलरी पैकेज एक सैलरी पैकेज आपको बता दिया जाता है फ्यू टर्म्स एंड बिफोर रिलेटेड टू तो ज्वाइनिंग से रिलटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वहां भी यहां पर बता दी जाती है लेटर ऑन जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लेटर आपसे लेकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है जो कि बहुत डिटेल में होता है और उसमें सारी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है रिलेटेड 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 टू 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 योर योर और जॉब तो इनिशियली आपको जॉब ऑफर मिलता है बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है विच इज मोर लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और इस तरीके से हम इस सेवन स्टेप्स के थ्रू वी फाइनली गेट द फाइनल कैंडिडेट अब इसमें ये स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं फॉर एक्जाम्पल कई कंपनीज मल्टीपल टेस्ट राउंड कंडक्ट कराती है कई कंपनी मल्टी मल्टीपल इंटरव्यूज राउंड कंडक्ट कराती है कुछ लोग कुछ कंपनीज टेक्निकल राउंड अलग से कराती है एचआर राउंड अलग से कराती है तो इस तरह के काफी सारे स्टेप्स के साथ आगे पीछे किया जा सकता है बट मोर एंड ओवर यही वो सात स्टेप्स हैं जिसको हर कंपनी फॉलो करती है आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर थैंक्स सब्सक्राइब एंड लाइक माई लाइक एंड शेयर सो दैट मोर स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सोल